क्या बदतमीजी है ये क्या? ना आप क्यों क्यों नहीं करने दे रहे हमें? आप लोगों के कारण, दारू के कारण क्राइम होता है, दारू के कारण क्राइम होता है। अगर दारू नहीं थी, ये देखिए किस तरीके से खुले हम कट्टे से मैं भरी जा रही सारी बोतल। क्यों दारू बेचते भैया? ये क्या है बोतल? कहाँ से आई? बोतल खरीदते हैं मैडम। आप साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरीके से सारू की दारू की बोतलें पड़ी हुई हैं। क्या करे? अच्छा गरीब आदमी शराब पिएगा? नहीं, रोड पे शराब बेचेगा? नहीं, हमारे रेडी पे कहाँ है दारू थी? बिल्कुल नहीं है। बताइए, हम धंधा कर रहे हैं, धंधे पे है। धंधा करोगे दारू बेचोगे रोड पर? आपका मंगोलपुरी, अमन बिहार, सुल्तानपुरी, पूरे नशे के अड्डे बन चुके हैं। नमस्कार, मैं पूनम, आप देख रहे हैं जल को दिल्ली से। मैं मौजूद हूँ अमन बिहार। अमन बिहार पुलिस स्टेशन महज 500 मीटर की दूरी पर है, जहाँ मैंने 8:35 पे दिल्ली पुलिस को कॉल किया, बताया कि अमन बिहार की सड़कों पर खुलेआम दारू बेची जा रही है। बच्चे मिनरल वाटर की बोतल में दारू ले जाकर सड़कों पर पी रहे हैं, महिलाएं डिग्गी में दारू रखकर ले जा रही हैं, खुलेआम दारू चल रहे हैं। बहन बेटियों के बारे में यहाँ खुलेआम गंदी बातें हो रही हैं। हमारे पास वीडियोस भी हैं, कंप्लेंट्स भी आई हुई हैं लगातार, उसके बाद ही जल को दिल्ली यहाँ पहुँचा है। और जब मैं यहाँ वीडियो रिकॉर्ड करने पहुँचती हूँ तो देखिए किस तरीके से बदतमीजी होती है। तो हमने पुलिस को कॉल किया था और पुलिस आ चुकी है और अभी सारी दुकानें बंद करवा रहे हैं, सभी पे अभी खुले आम दारू चल रही थी। देखिए सामने पुलिस वाला जा रहा है, जो है दारू, सारे रेडी वाले दारू बेच रहे थे और सारे दारू बंद करा रहे हैं। ये देखिए अभी हमने कॉल किया था, अभी इनकी कॉल पे इन्होंने बोला हम नहीं आ पाएंगे। इस तरीके की चीज़ें हुई और आप देख सकते हैं इन दुकानों पे सभी पे दारू बिक्री थी। हमारे पास लगे विजुअल्स भी हैं, इन सभी दुकानों पे दारू बिक्री थी। अगर दारू नहीं थी, ये देखिए किस तरीके से खुले हम कट्टे से मैं भरी जा रही सारी बोतल। ये दुकान क्यों दारू बेचते भैया? दारू नहीं बेचते मैडम। ये क्या है? बोतल कहाँ से आई? बोतल खरीदते हैं मैडम। कौन खरीदता है? हम खरीदते हैं। कबाड़ी खाली बोतल खरीदते हो? हाँ जी। देखिए किस तरीके की चीजें कह रहे हैं कि खाली बोतल खरीदते हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से खुले आम बिक रही थी। इनकी सारी दुकानों पर दारू थी, हर एक दुकान पे। यहाँ जहाँ दिल्ली पुलिस जो जिनको रोकना चाहिए, आप साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरीके से सारू की दारू की बोतलें पड़ी हुई हैं और इनका कहना है कि हम दारू की खाली बोतलें खरीदते हैं। ये क्या गरीब? अच्छा गरीब आदमी शराब पिएगा? रोड पे शराब बेचेगा? शराब नहीं पीता है सर ये। अच्छा ये क्या है? ये शराब के ग्लास नहीं है? आते हैं सामान उमान खाने के लिए सर। जो मना करो ना तो मना करते हैं। एक आदमी इधर उधर करके जबरदस्त मार तो नहीं कोई, कोई चाकू तो मार। अगर आप अपनी दुकान पे शराब रखोगे तो सब पिएंगे। शराब नहीं कोई रखता जी सर। ये देखिए आ गया है शराब, कोई नहीं रखते हैं यहाँ। 500 मीटर की दूरी पर यहाँ अमन बिहार पुलिस स्टेशन है और हमने इनको 8:35 पे कॉल की थी और अभी 9 बज चुके हैं। उसके बाद पुलिस आती है, पुलिस के बार बार लापरवाही सामने नजर आती है। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि सारी की सारी दुकानों में दारू बिक रही थी, सारे की सारी सारी। अब ये गरीब आदमी का रोना रोते हैं। ये कितनी सारी बोतलें आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि कितनी सारी बोतल जो है मौके पर मौजूद है। और उसके बाद ये कहते हैं कि देखिए इस साइड में दिखाओ, ये देखिए ये क्या, किस लिए खरीदते हो? किस लिए? कबाड़ी के बेचने के लिए। किससे खरीदते हो? इनसे खरीदते हैं भाई जी। अभी मेरे पास रिकॉर्डिंग है आपकी दुकान की, बताइए अगर दारू यहाँ पी रहे थे लोग? दारू ये देखिए किस तरीके की दारू की बोतलें हैं यहाँ। साथ ही ये देखिए कितनी ज्यादा भीड़, पब्लिक है, पब्लिक प्लेस है ये और खुलेआम दारू बेची जाती है। ये नॉनवेज के नाम पर के साथ साथ दारू बेच रहे हैं, खुलेआम दारू बेच रहे हैं। महिलाएं पुरुष यहाँ से महिलाएं तो दूर, पुरुष भी सुरक्षित नहीं निकल पाते, इनसे लूटपाट होती है और अभी गरीब का रोना रोते हैं। इससे पहले भी हमने नशाखोरी की कई सारी वीडियो दिखाई है। ये देखिए यहाँ पर भी बोतल पड़ी है शराब की। भैया क्यों दारू बेचते हैं? हमारे पास हमारे पास देखा है, आपने देखा वीडियो है? आपने देखा? देखा क्यों? किसने देखा? कहाँ देखा? वीडियो है, वीडियो है मेरे पास। आपकी दुकान पे दारू चल रही थी? नहीं, हमारे रेडी पे कहाँ है दारू थी? बिल्कुल नहीं है। आपको ये पुलिस वालों ने इन्फॉर्म किया यहाँ से तब हटाया आप लोगों ने? सर हम नहीं आते, आपके घर में माँ बहन नहीं है क्या जो खुले आम दारू बेचते हैं? बताइए भाई हम धंधा कर रहे हैं, धंधे पे है। धंधा करोगे दारू बेचोगे रोड पर? दारू बेच रहे हैं हम, दारू बेच रहे हैं, मच्छी बेच रहे हैं, दारू मच्छी बेच रहे हैं हम। देखिए साफ इन्होंने सारी बॉटल्स यहाँ से हटा दी, इनके पास भी दारू थी और यहाँ पर भी ग्लास भी रखा हुआ था दारू का। साफ तौर पे आप देख सकते हैं किस तरीके से अमन बिहार पुलिस स्टेशन मात्र 500 मीटर की दूरी पर है, जहाँ पुलिस को 5 से 7 मिनट में आ जाना चाहिए था, पुलिस ने पूरा आधा घंटा लगा दिया। और आते ही बीट ऑफिसर ने सारे रेडी वालों को इन्फॉर्म कर दिया कि मीडिया आई हुई है। और ऐसे में सारे
रेडी वालों ने दारू की बोतलें वहां से हटा दी, जहां केजरीवाल सरकार दिल्ली के अंदर 500 ठेके खुलवाने की बात कर रही थी। देखिए किस तरीके से पूरी दिल्ली जो है, पूरी दिल्ली में नशाखोरी को बढ़ावा दे रही है केजरीवाल सरकार, और साथ में दिल्ली पुलिस का बराबरी का हाथ है सामने। देखिए किस तरीके से खुलेआम ऐसे बोतलें पड़ते हैं, देखिए किस तरीके से गरीब आदमी का रोना रोते हैं खुलेआम। क्या रोजी रोटी दारू बेचोगे? नहीं दारू, कोई दारू बेचता हो तो हम सबको ले चलो, बंद करो। मंगोलपुरी, अमन बिहार, सुल्तानपुरी पूरे नशे के अड्डे बन चुके हैं। लगातार दिल्ली की पुलिस की मिली भगत के कारण ही अड्डे चल पा रहे हैं। और ऐसे में भैया जी मैं बिना प्रूफ नहीं मैं काम करते, बिना प्रूफ काम नहीं करते। प्रूफ है, प्रूफ है, प्रूफ है। बंद कराओ ना आप, कौन फिर है, किसकी वीडियो है आपके पास? सबकी वीडियो, किसकी वीडियो? सबकी वीडियो। आपको जरूरी नहीं समझते, आप देख लीजिए जब खबर आएगी ना। आम आदमी बार बार ये देखिए किस तरीके से, देखिए लगा फिकर रहेगा। मैं कोई पी आप पब्लिक 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 किसने वो बन दिए, कौन पी रहा है, कौन पी रहा है? पब्लिक प्लेस पर चार नहीं बन सकते, सबकी वीडियो है। किसकी वीडियो है आपकी? वीडियो है, चैनल पे दिखाओ, चैनल कौन चैनल है आपका, कौन चैनल है आपका? बिना प्रूफ काम नहीं करते, ये गरीब आदमी का रोना रोते हैं, गरीब आदमी का रोना रोते हैं और सड़कों पर नशा बेचते हैं, सड़कों पर नशा बेचते हैं। मौत आप आते नहीं, जा क्या यहाँ के मौत आ के जा क्या क्या ना तो मर रहा है क्या ना जा को तो मर रहा है। इस तरीके का माहौल है, क्राइम रेट सुल्तानपुरी मंगोलपुरी अमन अमन बिहार में खुलेआम दारू बेची जा रही है, और तो और महिलाएं यहाँ से डिग्गी के अंदर दारू रखी जाती है। क्या ये बताइए, ठेके बंद होंगे, ठेके बंद होंगे, ये बताइए, बताइए क्या है भैया, क्या बदतमीजी है ये? क्या ना आप क्यों क्यों नहीं करने दे रहे हमें? हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करिए, अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। क्या मेरी बात सुनो, क्या क्या का दारू बेच रही है बताओ? प्रूफ है, बिना प्रूफ काम नहीं करते, आप गलत कामों को बढ़ावा मत दो। गलत काम आपके जैसे है, अगर आपके जैसे आपके जैसे आपके आप पीछे हट जाइए, पहले आप मेरा काम मुझे करने दीजिए, आप मेरा काम मुझे करने दीजिए, आप मेरा काम मुझे पीछे करने दीजिए, आप पीछे जाइए। आप मेरे को वीडियो वीडियो क्यों नहीं रिकॉर्ड करने दे रहे हैं? आप लोगों के कारण, दारू के कारण क्राइम होता है, दारू के कारण क्राइम होता है, दारू के कारण क्राइम है, दारू के कारण। आप बहस मत कीजिए, बहस मत कीजिए, बहस मत कीजिए यहाँ पर। मैं आपसे बहस ही नहीं कर रहा। देखिए दिल्ली के अंदर क्राइम रेट सिर्फ दारू और कहीं नशे के कारण बढ़ रहा है। खुलेआम दिल्ली की सड़कों पर, दिल्ली की गलियों के अंदर, चाहे वो दारू हो या फिर गांजा हो या अन्य प्रकार के नशे के पदार्थ, तो खुले आम सड़कों पर गलियों पर बेचे जा रहे हैं, और दिल्ली पुलिस की मिली भगत के कारण ही ऐसा हो रहा है। मैं अमन बिहार के थाने से SHO से अपील करना चाहूंगी कि क्या हो रहा है आपके क्षेत्र में, आपके पुलिस स्टेशन से महज 500 मीटर की दूरी पर खुले आम रेडियो पर दारू बिक रही है। रोहिणी के ACP साहब, DCP साहब देखिए किस तरीके से धांधले चल रही है, किस तरीके से आपके राज्य में इस तरीके का कुशासन फैला है। महिलाएं कहाँ सुरक्षित है? लगातार महिलाओं के साथ साथ यहाँ पुरुष भी शोषित हो रहा है, पुरुषों के साथ छेड़छाड़ भी होती है, उनके साथ भी मारपीट होती है, क्राइम होता है। और कुछ दिन पहले ही, लगभग 15 से 20 दिन पहले, 500 मीटर की दूरी पर गोली वारदात हुई थी, किस तरीके से 3 राउंड फायरिंग भी की गई थी। लगातार दिल्ली के अंदर किस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं नशा ही इसका कारण है, और उसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस ठोस कदम नहीं उठाती है। हमारे साथ जब मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग करने आती हूँ, खबर करने आती हूँ, बदतमीजी की जाती है, जबकि हमारे पास सभी का प्रूफ है, सभी ने हमें, कई लोगों ने कंप्लेन की किस तरीके से खुलेआम दिल्ली की सड़कों पर दारू चल रही है। आप किस वीडियो में के बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही देखते रहे जल को दिल्ली में, कैमरामैन नरेश के साथ पूनम।